तो जब से हम पर्यावरण डिपार्टमेंट संभाले हैं तो मोदी जी को भी दिमाग में आ गया कि तेज प्रताप जी की तरह हमको काम करना चाहिए। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशफेल रस, ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, एबिसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशफेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। बिहार के वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव पटना के चिड़ियाघर पहुंचे हैं। यह तस्वीर चिड़ियाघर की है, जहां पर देख सकते हैं हुलो गिवन केज का उन्होंने शिलान्यास किया है, तो वहीं जेब्रा क्रॉल का भी उद्घाटन किया उन्होंने। यह तस्वीर जो है चिड़ियाघर की है। पशु प्रेम जो है तेज प्रताप का लगातार देखने को मिलता है, तो वहीं जब तेज प्रताप यादव से पत्रकारों ने यह सवाल किया कि लगातार नरेंद्र मोदी भी जानवरों के प्रति काम कर रहे हैं, चीताओं को भारत देश में लेके आ रहे हैं, इसको लेकर तेज प्रताप यादव ने साफ कहा कि जब से मैंने पदभार अपना संभाला है, इसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरा देखहिस्की कर रहे, यानी कि देख रहे हैं कि तेज प्रताप यादव जी काम कर रहे हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मेरे ही देखते हुए देखा जाए तो जानवरों को ला रहे, तो वहीं क्या कुछ कह रहे हैं चिड़ियाघर में जानवरों को लाने को लेकर तेज प्रताप यादव, वो सुने आप लोग। लाया जाएगा, ब्लैक पैंथर भी लाया जाएगा पटना जू में, कई नए जानवर दिखेंगे। हाँ, कई नए जानवर जो की जो बाहर के जू में रहती है उसको अब यहाँ के भी जू में लोग देखने का मिलेगा, और जो बाहर जो लोग जाते हैं वो लोग यहीं आकर के देखेंगे। सर, कई सालों से जू का विस्तार नहीं हुआ है, और जो कई सालों से जू का विस्तार हो रहा है और लगता है कि आप नहीं देखे हैं, आप चिड़ियाखाना आइएगा तो देखिएगा बहुत सारे नए नए जानवर आए। सफारी वाला बनने वाला था वहाँ जो गोलफला मैदान है, सफारी बनने के लिए करीब 2002 के करीब में आवेदन हो गया, अभी उस पर काम चल रहा है। हैं कर्मचारी हैं, सारे लोग इसमें साथ दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, और आज ये जो है अपना उन लोग जीवन जो है उसका भी हम लोग कर रहे हैं, और ये मैसूर से लाएंगे, सत्यजीत जी हैं, बाकी डिटेल में आपको ये बताएंगे। अच्छा, एक चीज और है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चीता उता ला रहे हैं, छोड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारा वाल्मीकि नगर है, फिर से वाल्मीकि नगर में तो पहले से है सारा एनिमल, जू में तो है। तो जब से हम पर्यावरण डिपार्टमेंट संभाले हैं तो मोदी जी को भी दिमाग में आ गया कि तेज प्रताप जी की तरह हमको काम करना चाहिए, इसलिए उठा रहे हैं। तो आपने सुन लिया, बिहार के वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव थे पटना के चिड़ियाघर पहुंचे, जहां पर उन्होंने हुलो गिवन केज का शिलान्यास किया है, तो वहीं जेब्रा क्रॉल का उन्होंने उद्घाटन किया, जहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह साफ कह दिया है कि जिस तरीके से मैं बिहार में काम कर रहा हूं अपना पदभार संभालने के बाद, उसके बाद देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरा काम को देख रहे हैं, तो वहीं वो भी वही काम कर रहे हैं, मेरा देखा इसकी कर रहे हैं, यानी कि तेज प्रताप यादव ने साफ कह दिया है कि मैं वन एवं पर्यावरण विभाग को लेकर जो है लगातार काम कर रहा हूं, तो वहीं जानवरों को लेकर उनका यह साफ कहना था कि लगातार जानवर जो है बिहार में लाए जाएंगे, तो वहीं पटना चिड़ियाघर में जो है जानवरों को लाया जाएगा लगातार, वहीं क्या कुछ कहते तेज प्रताप यादव आपने सुना है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी तमाम खबरों के लिए NBC24 के साथ बने रहे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।